नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल RAS एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान बोर्ड अजमेर से संबंधित 10वीं और 12वीं कक्षाओं के जो विद्यार्थी थे जिनकी एग्जाम कोरोना वायरस के चलते पेंडिंग में डाल दी गई थी, यानी कि पोस्टपेंड कर दी गई थी, लेकिन अब इनसे संबंधित एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और अभी अभी ये नोटिफिकेशन आया है। आपकी नया टाइम टेबल, जो परीक्षा का टाइम टेबल है, उससे संबंधित है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक जरूर देखिए। तथा पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि राजस्थान में होने वाली हर परीक्षा की अपडेट आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस पूरी जानकारी पर। दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि आप तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाएं और एजुकेशन से संबंधित चाहे वो छोटी से छोटी जानकारी हो, आपको तुरंत ही इस पर इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाए। ये देखिए, CM गहलोत का ऐलान, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जून में होंगी, 31 के बाद भी रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। आपकी जो आपसे संबंधित जो मुख्य खबर है, 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित मैं इस वीडियो में आपको खबर बताऊंगा। CM बोले, निजी अस्पतालों में कोरोना के फ्री इलाज के लिए एडवाइजरी जारी करें। ये जो तीन मुख्य काम बताए हैं इनको एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, जयपुर से न्यूज है, CM गहलोत ने शुक्रवार को तीन बड़े ऐलान किए। पहला किया है, राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएँ हैं वो जून में होंगी, सबसे पहले तो ये बात है, और जल्द ही परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि 31 मई के बाद भी प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। तीसरी जो मुख्य बात बताई है गहलोत ने, जो जानकारी दी है वो ये है कि गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए एडवाइजरी जारी किए जाए, जो सभी इस अस्पतालों में इसका पालन हो, तथा जो इनका उल्लंघन करेंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपसे संबंधित जो न्यूज़ है ये देखिए, CM ने 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे दिए हैं। अब इन परीक्षाओं की तिथियों का कार्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि अजमेर द्वारा जारी किया जाएगा। CM ने अधिकारियों को इन दौरान कोरोना संदर्भ में जारी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं कि भाई किसी भी प्रकार से आप एग्जाम करवाओ, तथा जो कोरोना का ये जो प्रकोप चल रहा है इसकी भी आपको इसकी ओर भी देखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको 10वीं 12वीं की एग्जाम कराने हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी आपसे, आपके एग्जाम से संबंधित, जो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पेंडिंग में पड़ी हुई थी। बहुत दिनों से बच्चे परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। हम आपको ये खबर लेकर आए हैं, जैसे ही RBSC अजमेर द्वारा जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी परीक्षा से संबंधित, आगे भी इसी प्रकार से आपको अवगत कराते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।